Good morning class, this is your science class and today we are going to study chapter 3, safety and first aid. First of all, what is safety? Safety kya hoti hai? Safety is the state of being safe. So what is safety? It is a state of being safe. When we are in a state of being safe, then that is called safety. So, and what is first aid? First aid kya hota hai? First aid is the first help which is given to an injured. Injured means ghayal. Safety is the first help given to an injured person before the arrival of doctor. So in this chapter we will learn about safety and first aid. Safety, it is a state of being safe. And what is first aid? It is this first help given to an injured. Injured means ghayal. Injured person before the arrival of doctor. Doctor ke aane se pehle hum kisi bhi injured person ko jo first help dete hain, that is called first aid. Okay? So come to the chapter. Accidents may happen with anyone. Now what is accident? Accidents kya hote hain? It is an unpleasant event that happens unexpectedly. कोई भी हमारे साथ unexpectedly कोई भी unpleasant event होता है जिसके वजह से हमें कोई harm पहुंचता है, हमें injury पहुंचती है और या फिर death भी हो सकती है, तो उसको हम बोलते हैं accident. Accident may happen with anyone, anytime and anywhere. Accident कभी भी किसी के साथ कहीं भी हो सकता है. We should always be careful. हमें कैसे रहना चाहिए? We have to be very careful and follow safety rules to avoid accidents. और accidents को avoid करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें safety rules को हमेशा follow करना चाहिए. Let us read about safety in different situations. हम अपनी safety कैसे कर सकते हैं? Different situations में अब हम इस chapter में वो पढ़ेंगे. Number one, safety from fire. फायर से हम अपनी सेफ्टी कैसे कर सकते हैं? अब फायर कैन बी कॉज ड्यू टू गैस लीकेज. फायर कैसे लग सकता है? फायर मींस आग. ठीक है, फायर फायर कैन बी कॉज ड्यू टू गैस लीकेज. इट कैन बी कॉज ड्यू टू एनी इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स. So fire can cause due to any of these reasons, maybe due to gas leakage. अगर हमारे घर में गैस लीक हो जाती है तो उसकी वजह से भी फायर हो सकता है. Due to any electrical faults, अगर कोई हमारी इलेक्ट्रिसिटी में कोई फॉल्ट आ जाता है उसकी वजह से भी फायर हो सकता है. Due to any careless handling of candles, अगर हम हमारे घर में कैंडल का यूज हो रहा है, हम उसको प्रॉपरली हैंडल नहीं कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी फायर हो सकता है. एंड केयरलेस हैंडलिंग ऑफ मैच स्टिक्स ऑल्सो. वी शुड फॉलो सम सेफ्टी रूल्स टू प्रिवेंट आवरसेल्व्स फ्रॉम फायर एक्सीडेंट्स. हम खुद को बचाने के लिए फायर एक्सीडेंट से हमें कुछ सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए. नंबर वन इज स्विच ऑफ द गैस रेगुलेटर व्हेन नॉट इन यूज. वी शुड ऑलवेज स्विच ऑफ द गैस रेगुलेटर व्हेन इट इज नॉट इन यूज. जब भी गैस अगर हम यूज नहीं करें तो हमें उसका गैस रेगुलेटर हमेशा उसकी नॉब को ऑफ करके रखना चाहिए. नंबर टू, इन केस ऑफ अ गैस लीकेज नीदर स्ट्राइक अ मैच नॉर ऑपरेट एनी इलेक्ट्रिकल स्विच.
अगर हमारे घर में गैस लीकेज हो जाता है, सिलेंडर लीकेज हो जाता है, तो हमें कभी भी वहाँ पे माचिस का यूज नहीं करना चाहिए, मैच स्टिक्स को नहीं जलाना चाहिए और कोई भी इलेक्ट्रिकल स्विच को ऑपरेट नहीं करना चाहिए। ओपन ऑल डोर्स एंड विंडोज एंड कॉल एन एडल्ट फॉर हेल्प। हमें सारे डोर्स और विंडोज को ओपन कर देना चाहिए और कॉल एन एडल्ट, एडल्ट मीन्स अपने से बड़े किसी एल्डर पर्सन को बुलाकर हेल्प उसकी लेनी चाहिए। नेक्स्ट इज रिप्लेस फॉल्टी गैस पाइप्स इमीडिएटली। इफ योर गैस पाइप्स आर फॉल्टी और दे आर लीकिंग फ्रॉम एनीवेयर, देन यू मस्ट रिप्लेस देम एज सून एज पॉसिबल। अगर आपके घर में कोई भी गैस पाइप फॉल्टी है तो उसको तुरंत उसको चेंज कर देना चाहिए। चेक वायरिंग इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस रेगुलरली फॉर एनी फॉल्ट और ब्रेक्स इन द वायरिंग। हमेशा अपने घर के इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की वायरिंग को चेक करना चाहिए कि अगर उसके अंदर कोई फॉल्ट है तो उसको जल्द से जल्द ठीक कराना चाहिए। बी केयरफुल व्हाइल हैंडलिंग मैच बॉक्स, कैंडल्स, फायर क्रैकर्स एटसेट्रा। कभी भी अगर मैच बॉक्स या फिर कैंडल्स या फिर फायर क्रैकर्स अगर हम यूज करें तो हमें उसके लिए बहुत ज़्यादा केयरफुली उसको हैंडल करना चाहिए। डू नॉट वेयर सिंथेटिक क्लोथ्स लाइक नायलॉन क्लोथ्स व्हेन हैंडलिंग फायर बिकॉज दीज क्लोथ्स कैच फायर इजली। अगर हम फायर के आसपास कुछ वर्क कर रहे हैं तो हमें सिंथेटिक क्लोथ्स पहनकर वहाँ नहीं जाना चाहिए। सिंथेटिक क्लोथ्स बहुत जल्दी फायर को कैच कर लेते हैं। इफ अ पर्सन्स क्लोथ कैच फायर He or she should be rolled onto the floor until the fire is out. If in any case any person catch the fire, किसी के कपड़ों में अगर आग पकड़ ली है तो उसको जमीन पर लेट जाना चाहिए, फ्लोर पर उसको रोल करना चाहिए जब तक कि वो फायर नहीं बुझ जाता है। He or she can also be covered by a blanket or he or she also be covered by a blanket. या तो फिर उसको किसी ब्लैंकेट से कवर कर देना चाहिए जब तक वो आग ना बुझ जाए। ओके, नाउ अ फायर कैन बी पुट आउट बाय द फॉलोइंग मेथड्स। हम फायर को कैसे बुझा सकते हैं, अगर कहीं आग लग जाती है तो हम उसको कैसे स्टॉप कर सकते हैं। नंबर वन, इन केस ऑफ अ फायर एक्सीडेंट इमीडिएटली कॉल अडल्ट्स फॉर हेल्प एंड इन्फॉर्म फायर स्टेशन। अगर कहीं भी फायर एक्सीडेंट होता है तो इमीडिएटली कॉल द फायर, इन्फॉर्म द फायर स्टेशन और कॉल एन एडल्ट। किसी बड़े को हमें वहां बुलाना चाहिए या फिर फायर स्टेशन में कॉल करनी चाहिए। द इमरजेंसी नंबर ऑफ अ फायर स्टेशन इज 101। इन केस अगर कहीं भी फायर होता है तो हमें 101 पर फायर स्टेशन को कॉल करके इमीडिएटली उनको इन्फॉर्म करना चाहिए। नेक्स्ट इज इन केस ऑफ अ स्मॉल फायर यूज फायर एक्सटिंग्विशर्स टू पुट इट आउट। अगर कहीं छोटी मोटी आग लगी है तो हमें किसका यूज करना चाहिए, फायर एक्सटिंग्विशर्स का। नाउ व्हाट आर फायर एक्सटिंग्विशर्स, दीज आर द मशीन्स विच आर यूज टू स्टॉप द फायर। ये मशीन्स होती हैं, एज यू ऑल कैन सी इन योर बुक, दीज आर द फायर एक्सटिंग्विशर्स। ये मशीन्स होती हैं जिससे हम कोई भी छोटी मोटी आग को हम स्टॉप कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकल फायर स्विच ऑफ द मेन्स इमीडिएटली। अगर आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी की वजह से कोई भी आग लगती है तो सबसे पहले जो मेन स्विच है उसको ऑफ कर देना चाहिए। Do not use water to put out electrical fire. Electrical fire को बुझाने के लिए कभी भी पानी का use नहीं करना चाहिए because उसके अंदर current आ सकता है. Use sand, mud or fire extinguisher to put out electrical fire. Electrical fire को बुझाने के लिए कभी भी पानी का use नहीं करना चाहिए. We should use sand, mud or fire extinguisher. Next is in case of fire caused by petrol, throw mud and sand instead of water to put out the fire. अगर कहीं पेट्रोल की वजह से कुछ फायर होता है तो उस पर क्या डालना चाहिए, थ्रो मड एंड सैंड इंस्टेड ऑफ वाटर। वहाँ पे भी हमको पानी का यूज नहीं करना चाहिए, वी शुड यूज मड एंड सैंड। दिस इज बिकॉज पेट्रोल इज लाइटर देन वाटर, इट विल फ्लोट अप ऑन वाटर एंड कंटिन्यू बर्निंग। अगर हम पेट्रोल की लगी हुई आग पर पानी डालेंगे तो वो पानी जो है, वो जो पेट्रोल है वो पानी के ऊपर आ जाएगा, एज इट इज लाइटर देन वाटर। पानी से लाइट होता है पेट्रोल, इसलिए वो उसके ऊपर आ जाएगा और वो कंटिन्यू करता रहेगा, उसकी बर्निंग में वो स्टॉप नहीं होगा। सो इन केस ऑफ पेट्रोल फायर वी शुड यूज मड और सैंड। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, सेफ्टी ऑन द रोड। वी शुड ऑलवेज बी केयरफुल ऑन द रोड। हमें हमेशा रोड पर केयरफुल रहना चाहिए।
ऑन द रोड साइड वी सी मेनी ट्रैफिक साइन. जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो हम रोड साइड पे बहुत सारे साइंस देखते हैं. तो वी शुड फॉलो द ट्रैफिक साइंस टू कीप आवरसेल्व्स एंड अदर्स सेफ. हमें उन साइंस को फॉलो करना चाहिए खुद को भी सेफ रखने के लिए और दूसरों को भी सेफ रखने के लिए. हियर आर द सम साइंस गिवन, सम रोड साइंस गिवन. दिस इज यूज्ड फॉर स्पीड ब्रेकर अहेड. व्हेन यू हैव अ स्पीड ब्रेकर अहेड इन योर वे देन दिस बोर्ड इज देयर ऑन द वे. वहां पे ये बोर्ड लगा होगा जो आपको बताएगा कि आगे स्पीड ब्रेकर है. नेक्स्ट इज नो एंट्री. इफ यू आर गोइंग इन अ नो एंट्री जोन देयर विल बी दिस बोर्ड, वो आपको बताएगा कि यहाँ पर एंट्री नहीं है. नेक्स्ट इज स्कूल हेड. अगर ये कहीं ये बोर्ड लगा हुआ है तो उससे हमको पता चलेगा कि आगे कोई स्कूल है और हम उससे उसके लिए अपनी स्पीड को कम कर लेंगे. नेक्स्ट अगर ये बोर्ड लगा है तो वहाँ पे पता लगेगा कि नो यू टर्न, यहाँ पे कोई यू टर्न की रास्ता नहीं है. नेक्स्ट इज ज़ेब्रा क्रॉसिंग. अगर कहीं ज़ेब्रा क्रॉसिंग है तो वहाँ पर ये बोर्ड लगा होगा. यू ऑल हैव टू ड्रॉ दीज सेफ्टी रोड साइंस इन योर साइंस नोटबुक्स. ओके एंड यू ऑल हैव टू डू द डू दिस लेट्स रिकॉल एक्सरसाइज इन योर बुक्स. दीज आर द ट्रू एंड फॉल्स गिवन. यू हैव टू रीड इट एंड डू इट बाय योर सेल्फ. सो दिस इज ऑल फॉर टूडे. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द फर्दर चैप्टर. ओके क्लास, थैंक यू.